मूवी के स्टार्टिंग में हम दो आदमियों को देखते हैं जो अपनी डेथ मॉम की बॉडी को दफना रहे होते हैं। अब तभी उन्हें सड़क पर कोई गाड़ी रुकती हुई सुनाई देती है। ये कार जो होती है वो खराब हो चुकी है, जिसके बाद में स्टीव नाम का एक बंदा इस कार को चेक करने के लिए बाहर निकलता है। उसकी गर्लफ्रेंड सेलेस्ट कार में ही बैठी होती है, मगर तभी वहाँ पर वही बंदा आता है और स्टीव को उसी फावड़े से मारकर बेहोश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेलेस्ट को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं। यहाँ पर वही ओवेन नाम का बंदा आता है। वो सेलेस्ट से बताता है कि तुम अब यहीं पर रहोगी और तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब मर चुका है। ओवेन अब बाहर जाता है और स्टीव की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि सेलेस्ट एक पिंजरे में बंद है और इस समय वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसे यहाँ पर बांध कर जानवरों की तरह रखा जाता है। अब दूसरी तरफ हम चार फ्रेंड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कार खराब हो जाती है। यहाँ पर ये चार लोग माइक और उसकी गर्लफ्रेंड जेना, क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड टायलर होते हैं। इधर कार की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, उसमें से काफी धुआं निकल रहा था। आसपास का इलाका भी जंगली वाला होता है और कार को भी वो लोग अपने आप ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए माइक कहता है कि वो कुछ दूर जाकर किसी गैस स्टेशन को ढूंढ के वहां से मदद लाएगा। माइक अकेले ही आगे जाने लगता है, जिसके बाद में क्रिस की गर्लफ्रेंड टायलर भी उसके साथ में अब जाने लगती है। अब वो दोनों लोग इस जगह से आगे निकल जाते हैं और इस तरफ ये दो लोग बचते हैं। क्रिस कार के ट्रंक को चेक करता है तो उसे वहां पर टॉयलेट पेपर मिलता है। जेना को भी इस समय टॉयलेट लगा हुआ था, जिससे वो उसे लेने के बाद में जंगल की तरफ हल्का होने चली जाती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो किसी तार से टकरा जाती है। ये तार इधर ओवेन के घर पर घंटी से बंधा हुआ था और इस समय यहाँ पर उसका छोटा भाई ऑसवाल्ड होता है, जिसके बाद में उसे जंगल में किसी के होने का पता चल जाता है। इस तरफ टायलर और माइक गैस स्टेशन की खोज में जा रहे होते हैं तो माइक यहाँ पर बातें करते हुए टायलर से बताता है कि उसके और जेमा के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके चलते वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब ये दोनों लोग यहाँ पर अकेले होते हैं, जिससे इस मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों लोग आपस में रोमांस करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें ऐसा करते हुए कोई देख रहा होता है। ये ऑसवाल्ड होता है, जिसके बाद में इनको भी किसी के होने का एहसास हो जाता है और फिर वे दोनों फिर से अपने रूट की तरफ चल देते हैं। जेना इस तरफ जब हल्का होने गई थी तो उसे पेड़ पर किसी का ब्लडी हैंड प्रिंट मिलता है। ये बात वो क्रिस से जाकर बताती है, जिस पर क्रिस कहता है कि हो सकता है कि किसी ने हिरन का शिकार किया हो, जिसके बाद में खून वाले हाथ को उसने उस पर पोंछा हो। ये सुनने के बाद में वो दोनों इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब इस तरफ माइक और टायलर फाइनली एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों इस गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहां पर उन्हें यहां पर ओवेन मिलता है। वो ओवेन से अपनी कार के बारे में बताते हैं, जिसके बाद में ओवेन उनकी कार को टो करने के लिए एक टो ड्राइवर को बुलवा लेता है। इस तरफ जब जेना और क्रिस कार में बैठे होते हैं तो ऑसवाल्ड चुपके से आके उन दोनों के फोटो लेने लगता है। ये दोनों भी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद में वो यहाँ से चला जाता है। इन दोनों को वो काफी अजीब लगता है। इस तरफ माइक और टायलर गैस स्टेशन पर वेट कर रहे होते हैं। टायलर इस जगह पर बोर होकर यहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद माइक जब इधर अकेला बचता है तो वो अंदर ओवेन के पास चला जाता है। ओवेन किसी चीज को ठीक कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं कर पा रहा था तो माइक उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए ओवेन उसके सर पर तेजी से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ टायलर सड़क से होते हुए जा रही होती है, लेकिन उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाज आती है, जिससे डर के वो वापस गैस स्टेशन चली जाती है। दूसरी तरफ जेना और क्रिस को रोड पर फोटो मिलती है, जिसे उसी आदमी ने खींचा था। इधर टायलर जब वापस गैस स्टेशन पर आती है तो वो ओवेन से माइक के बारे में पूछती है। ओवेन बताता है कि वो टॉयलेट गया है, जिसके बाद में टायलर उसका कुछ देर वेट करने लगती है, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब वो नहीं आता है तो वो फिर से ओवेन से जाकर पूछती है। टायलर अब जब अंदर उसे देखने जाती है तो ओवेन उसके भी सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब हम यहाँ पर माइक को बंधा हुआ देखते हैं। ओवेन उसके साथ में टॉर्चर कर रहा है और उसके बाद में टायलर को वो पैक करके अपने घर ले जाने वाला होता है। अब हम फिर से इधर जंगल की तरफ देखते हैं। ये दोनों कुछ और दूर जाते हैं, जहाँ सड़क पर उन्हें एक दूसरी फोटो मिलती है। इसमें टायलर और माइक की रोमांस करते हुए फोटो थी। ये देखकर दोनों लोग काफी हैरान होते हैं और क्रिस इससे काफी दुखी हो जाता है। लेकिन अब इतने में ही यहाँ पर ऑसवाल्ड एक धारदार हथियार के साथ में इनके सामने आ जाता है। क्रिस जल्दी से जेना को भाग जाने को कहता है, जिसके बाद में ऑसवाल्ड क्रिस को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। जेना तो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन क्रिस को ऑसवाल्ड पकड़ ले जाता है। इस तरफ ओवेन टायलर की बॉडी को कार में लेकर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उससे जेना हेल्प के लिए उसे रुकवाती है। वो कहती है कि कोई किलर है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ओवेन उसे कार में आकर उसके घर पर चलने को कहता है, जहां उसे फोन मिलेगा जिससे वो पुलिस को कॉल कर पाएगी। जेना उसके साथ में जाती है। अब जैसे ही जेना उसके घर पहुंचती है तो वो जल्दी से फोन करती है, लेकिन ये फोन डेड था। और अब ओवेन उसे भी अपनी बंदूक की नोक पर उसे किडनैप कर लेता है। ओवेन उसे कहता है कि मैं जैसा कहूं वैसा करना, वरना इस गन को चलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो उसको बाहर ले जाता है। कार में टायलर की बॉडी थी, जिसके बाद वो दोनों उसकी बॉडी को घर के अंदर लाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ देर बाद दोनों लोगों को बंधा हुआ देखते हैं। ओवेन यहाँ पर आकर दोनों लड़कियों को बहुत डरा देता है। ऑसवाल्ड यहाँ पर क्रिस को लाता है और इन दोनों को और भी डराने के लिए उनके सामने ही क्रिस को वो लोग मार देते हैं। ये सब देखने पर टायलर को उल्टी हो जाती है। ओवेन उसके मुंह को खोल देता है, मगर फिर बाद में
फिर से उसके मुंह को बंद कर देता है। ऑसवाल्ड क्रिस की बॉडी को बाहर ले जाता है जिसे वो वहां पर काटने लगता है। ओवेन भी यहां से चला जाता है और इधर अब ये दोनों लड़कियां बंधी हुई बचती हैं। लेकिन वो दोनों ऐसे ही बैठने वाली थोड़ी न है, वो दोनों अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और जल्दी इसमें कामयाब भी हो जाती है। ऑसवाल्ड अंदर आके देखता है तो वो दोनों यहां से भाग चुकी थी, जिसके बाद में वो बेहद ही गुस्सा हो जाता है। अब ओवेन इधर गैस स्टेशन पर माइक को लेने आया होता है, लेकिन वो पहले उसके साथ में बचा कुचा टॉर्चर भी करता है। ये दोनों लड़कियां इधर भाग के अपने कार की तरफ जा रही होती हैं, जहां उसे रास्ते में टू ट्रक वाला मिलता है। वो उससे अपनी पूरी बात बताती है, जिसके बाद में ये विलर्ड नाम का जो बंदा होता है वो उन दोनों की हेल्प करते हुए उन्हें एक महफूज जगह ले जाने वाला होता है। लेकिन इन लड़कियों को नहीं पता होता कि ये जो विलर्ड है वो भी उन दोनों के साथ में मिला हुआ है। विलर्ड उनको वापस उसी जगह पर ले जाता है, जिसके बाद में अब वो गन पॉइंट पर उनको उसी घर की ओर ले जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ ऑसवाल्ड आता है और टायलर के पेट को चीर देता है, जिसके बाद में टायलर की यहाँ पर मौत होती है। अब जेना को दोबारा उसी जगह लाया जाता है। जेना यहाँ पर उसके सामने वाले दरवाजे की दूसरी साइड में किसी खूंखार दरिंदे की आवाज सुनती है। जेना को तभी अब यहाँ पर एक धारदार चीज दिखती है, जिसे वो अपने पास में रख लेती है। अब वो एक दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ उसे वही प्रेग्नेंट लेडी मिलती है। जेना उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वाऊंगी। वो उसी नाइफ जैसी चीज से उसके हाथ की रस्सी को काटने लगती है, लेकिन रस्सी कट जाने के बाद में जब जेना दूसरी तरफ चली जाती है और इधर ये नाइफ सेलेस्ट के पास में होता है, तो वो अपने पेट पर वार करके अपने बेबी को और खुद को ही मार लेती है। ऑसवाल्ड ये देखकर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो जेना को बुरी तरह से मारने लगता है। अब कुछ देर बाद जब ओवेन आता है तो वो यहाँ की ये सब हालत देखकर काफी हैरान होता है। वो इन सब से काफी दुखी हो जाता है। इधर विलर्ड यहाँ से निकल चुका था, लेकिन वो कोई चीज वहीं भूल आया था, तो वो वापस आने लगता है। इधर जेना के हाथ बंधे थे लेकिन उसके पैर नहीं बंधे थे, तो वो बाहर निकल आती है। वो अपने मुंह से रस्सी को काट कर कार के पास जाती है। कार में माइक बंधा हुआ कैद था, जिसके बाद में जेना उसे खोलती है। इस तरफ सेलेस्ट मर गई थी, तो ओवेन उसे काटने वाला होता है। इधर जेना और माइक निकल सकते थे, लेकिन माइक को यहाँ पर गन मिलती है, तो वो इन सभी लोगों को मारने की सोचता है। जेना उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन माइक यहाँ पर नहीं रुकता। वो धीरे धीरे करके अंदर जाता है, उसे अंदर यहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद में वो दूसरी साइड जब बाहर जाता है तो उसे यहाँ पर किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है। लेकिन इतने में ही ओवेन उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर फिर से माइक गन उठा के ओवेन पर तान देता है और ओवेन पर वो फायर कर देता है, जिससे ओवेन की यहीं पर मौत होती है। अब दूसरी तरफ से विलर्ड आता है और वो माइक को गन से मार देता है, मगर तभी इधर जेना बड़ी से हथियार से विलर्ड को भी मार देती है। अब इसके बाद में यहाँ पर ऑसवाल्ड आ जाता है। वो यहाँ की सिचुएशन को बुरी हाल में देखता है, जिसके बाद वो अंदर जाकर ये जो भी दरिंदा यहाँ पर बंद था वो उसको आजाद कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो भी दरिंदा था वो एक म्यूटेंट इंसान होता है और वो बाहर आकर इन डेड बॉडीज को खाने लगता है। जेना जल्दी से भागकर कार की तरफ जाती है और म्यूटेंट भी उसके पीछे आता है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं जान पाते हैं कि जेना यहाँ से भाग पाती है या फिर नहीं, मगर लास्ट के सीन को देखकर यही लगता है कि सभी लोग मर गए हैं और ऑसवाल्ड ही लास्ट में म्यूटेंट के साथ में बचा है। और इसी के साथ में अब यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी 2020 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बुचर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए